पिछले दिनों एक दो वीलॉग किए थे लेकिन फिर अपलोड नहीं किया उन पर, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मैं समझ रहा था कि मौजूदा वक्त के मुताबिक इन पे पर्दे ही डाल दिए जाए तो बेहतर है। कासिम सूरी की जो जो रूलिंग थी उसको माना नहीं गया था, हालांकि उसने क्या कहा था, उसने कहा एक बार बैरूनी मुदाखलत हुई है और इसको चेक किया जाए। पहले था लाला असद अल सुल्फिकार का आदमी था, ये तारीख का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। उन्होंने चौधरी जहूर अली को उस लाला असद ने कत्ल किया, उसने इतराफ किया कि मैं पीपल्स पार्टी और अल जुल्फिकार का बंदा हूँ। कौन से कानून की किताब में लिखा है कि जनाब एक अनइलेक्टेड जो है शख्स वो पंजाब का इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहे जब तक के इलेक्शन नहीं हो जाते और हाउस इन ऑर्डर नहीं हो जाता, ताकि वो सारे वसायल इस्तेमाल करें, और उन्होंने इस्तेमाल किए। रहमान रहीम, एक और वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा रابطہ जो है वो रह सके। पिछले दिनों एक दो वीलॉग किए थे लेकिन फिर अपलोड नहीं किया उनको, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई थी जो मैं समझ रहा था कि मौजूदा वक्त के मुताबिक इन पे पर्दे ही डाल दिए जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो हिजाब होता है ना एक प्यार का, एक मोहब्बत का, वो एक बड़ी बारीक लाइन होती है, और जब आप उस लाइन को क्रॉस कर लें तो उसके बाद फिर और भी रास्ते जो हैं वो फिर बाकियों के लिए खुल जाते हैं। मैं बार बार इसकी मिसाल इसलिए देता हूँ कि 1977 में, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ आप में से अभी पैदा ही नहीं हुए थे, कुछ लोगों ने वो देखा मंजर जब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी अवामी जो है जद्दोजहद हो रही थी, और उसमें जो है वो तीन शहरों में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने मार्शल लॉ लगा दिया था, तो लोग सड़कों पे थे, मसाजिद में थे, पुलिस जूते पहनकर मसाजिद में घुस रही थी, लोगों को मार रहे थे, दिलाई कैंप में रखा हुआ था उनको, ये एक सिविलियन मार्शल लॉ का इक्तदार था, जो एक सिविलियन मार्शल लॉ दुनिया की तारीख में पहली, एडमिनिस्ट्रेटर दुनिया की तारीख में पहली मरतबा रह चुका था। बहरहाल जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने वी लॉग क्यों नहीं किए। वो लाहौर में जब जुलूस निकल रहे थे और फौज को तलब किया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, तो फौजी आकर वहाँ खड़े हो गए सड़कों के ऊपर और लोग भी सामने से आ गए, तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की और उन्होंने उस लाइन पर कहा कि जो इस लाइन को क्रॉस करेगा हम गोली मार देंगे। तो जब पहला आदमी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, नारा तकबीर अल्लाहु अकबर लाइन क्रॉस कर दी और फौज जो है वो पीछे जाने शुरू हो गई, उनके पीछे और लोग भी आने शुरू हो गए थे, और फिर हुआ ये नतीजा ये निकला कि तीन ब्रिगेडियर्स ने रिज़ाइन कर दिया कि हम आवाम के ऊपर गोली नहीं चला सकते। ये है वो लकीर कि जिसको क्रॉस कर दिया जाए तो उसके बाद फिर कोई रुकना नहीं होता, तो उसको उसी वक्त रोक देना चाहिए अगर उस लाइन को कोई क्रॉस कर रहा है तो। वो जो प्यार और मोहब्बत और एक एहतराम की लकीर है, इस पर मैं बहुत से मसाले दे सकता हूँ, एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देना चाहता इस वक्त। कल से जो तमाशा लगा हुआ है, पहले यहाँ मरकज़ में लगा था, रातों को अदालतें खुल गई थी, अहकामात दे दिए गए थे, कासिम सूरी की जो जो रूलिंग थी उसको माना नहीं गया था, हालांकि उसने क्या कहा था, उसने कहा एक बार बैरूनी मुदाखलत हुई है और इसको चेक किया जाए पहले, और एक JIT बना दी जाती है, और अगर 15 दिन 20 दिन और हुकूमत चल जाती है और उस पर कोई फैसला आ जाता तो आज ये हालात पैदा ना होते, और फिर दूसरों को जरूरत ना होती कि कोई भी चीज़ उठा कर ना रूलिंग देनी शुरू कर दें, कोई एग्ज़ाम्पल देकर या कोई आइन का हिस्सा पढ़कर। चौधरी शुजात के लिए मेरे दिल में इतना एहतराम है, एक बड़े भाई की हैसियत से, एक बाप को जो इज़्ज़त देते हैं वो इज़्ज़त देता हूँ, क्योंकि वो हमारे मुश्किल वक्त के साथी हैं। मैंने कई मरतबा पहले भी ये बताया, मैं उसका दोबारा जिक्र करना चाहता हूँ कि जब मोहतरमा की हुकूमत आई 1988 में, तो कुछ अरसा तो हम फौज की मेहरबानी से आर्मी हाउस में रहते रहे, 14 महीने का एक वक्त होता है जहाँ जिसकी वो इजाज़त देते हैं,
जैसे ही वो वक्त करीब आना शुरू हुआ तो हम पे दबाव बढ़ता गया और फौज पे दबाव बढ़ता गया। मिर्ज़ा असलम बेग साहब उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने खुद डायरेक्टली तो मुझसे बात नहीं की, लेकिन उस वक्त जनरल इमरान उल्ला थे टेन कोर कमांडर, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार हम पे बड़ा दबाव है, यानी चीफ पे भी शायद दबाव होगा, मुझे नहीं पता कि किसका कहा था, उनका हम पे बड़ा दबाव है तो घर जितनी जल्दी खाली कर सकते हैं आप उसको खाली कर दें तो इसमें बेहतर होगी। साथ ही उन्होंने उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं बेबस हूँ, यानी कि टेन कोर कमांडर जो है वो सबसे मजबूत कोर कमांडर होता है और ऐसे ही शख्स को लगाया जाता है जिसकी लॉयल्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हो, लेकिन वो दिल बर्दाश्त थे और उन्होंने कुछ मुझे कहा जो मैं यहाँ फिर से रिपीट नहीं करूँगा पर्दा रखने के लिए। तो जब हमने घर खाली किया तो कोई जगह नहीं हमें दे रहा था किराए पे, क्योंकि एक मुखालिफ हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, जहाँ भी गए किराए पे घर लेने के लिए, क्योंकि हमारा घर अभी बनना शुरू नहीं हुआ था, तो लोगों ने कहा नहीं जी हम अगर आपको देंगे तो हम पे सख्ती हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो चौधरी शुजात की वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी वालदा से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हमारा घर आपके घर से कोई 1 किलोमीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर है चूड़ के अंदर, तो आप वहाँ शिफ्ट हो जाए, हमारा घर खाली होता है, गेस्ट हाउस है, तो और उन्होंने हमें वहाँ रखा 1 साल के करीब, हम वहाँ रहे, शायद कुछ ऊपर ही अरसा हो गया होगा, और बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने उस वक्त किया, ये बात मैंने परवेज मुशर्रफ को भी बताई थी जब उन्होंने मुझे बुलाया, गले लगाया और मुझे कहा एजाज़ुल्हक हम तुम्हें पार्टी का इलेक्शन लड़े, हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे, जो भी मतलब बात थी, तो मैंने उन्हें कहा कि कुछ लोग जो है इसमें रुकावट डालेंगे, ख़ास तौर पर एक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो चौधरी शुजात और परवेज लाई के बड़े दोस्त थे, और दूसरा मैंने कहा कि पॉलिटिकली ये बर्दाश्त नहीं करेंगे चौधरी शुजात साहब और परवेज लाई साहब, तो परवेज लाई ने कहा नो डोंट वरी वी विल फैसिलिटेट यू, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद गेम जो है वो तब्दील हो गई। ये बहुत लंबी कहानी है, कभी किताब लिखेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे। कल जो कुछ चौधरी शुजात ने किया, देखें एक था लाला असद, लाला असद अल सुल्फिकार का आदमी था, ये तारीख का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। उन्होंने चौधरी जहूर अलाई को उस लाला असद ने कत्ल किया, उसने इतराफ़ किया कि मैं पीपल्स पार्टी और अल सुल्फिकार का बंदा हूँ और मैंने कत्ल किया, और बाद में उसको फांसी लग गई, 302 का मुकदमा बना, उसे फांसी लग गई। अपने वालिद के कातिलों के साथ बैठना, जब ये बने थे नायब वज़ीर आज़म डिप्टी वज़ीर आज़म परवेज लाई साहब, मैंने उसी दिन कहा था इनकी सियासत जो है अब वो गिनी दिन गिने जा चुके हैं, आप एक जगह खड़े नहीं होते, आपका असूल ही कोई नहीं है, किसके साथ हाथ मिला रहे हैं आप देख ही नहीं रहे, पीछे मुड़कर अकेले खड़े रहें, ना जाएं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बाइज्जत तौर पर खड़े रहें, बेइज्जत होकर नहीं। और अब जो हुआ कल, मैं उस पर आना चाहता हूँ, यानी कहाँ दुनिया में ये लिखा है कि पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ये असूल है कि 50% से ज़्यादा अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, अब शायद उसको अगर तब्दील नहीं किया, तो जो वो फैसला करे, चाहे मनी बिल के अगेंस्ट करे जो कि नहीं कर सकते, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कहीं और वोट डाले, चाहे इतमाद के वोट में कहीं और वोट डाले, वोट किसी और को दे जो पार्टी कह रही है उसके उससे अलग होकर दे, अगर 51% हो तो उनकी बात जो है वो मानी जाएगी। 100% पार्टी यानी 10 मेंबर है, 10 के 10 कह रहे हैं कि हमने परवेज लाई को वोट देना है, पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक दिन पहले फैसला किया, आखिरी मोमेंट पे जरदारी साहब बैग लेकर माले गनीमत सिंध का लूटा हुआ पंजाब में बांटने के लिए आ गए हम, यानी कोई इससे ज़्यादा भी कोई नीचे गिर सकते हैं आप जमहूरियत के नाम पे, यानी कि ओपन बिडिंग हो रही है, ऑक्शन हो रही है, यानी जो सिंध हाउस में भी हुई और जो वहाँ भी हुई, आप लाहौर में आपने देखा पंजाब के अंदर लोगों को करोना ज़्यादा लोगों को उठाकर असेंबली में लाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, उनको बाहर भिजवाया जा रहा है, उनको तो सारे तमाशा देख रहे हैं, हर अदारा तमाशा देख रहे हैं बैठ कर कि ये क्या हो रहा है, कि जी हम तो कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुला था, और आज भी मैं समझता हूँ, चले मैं कहता हूँ आज रात 12 बजे खुला है, अबे कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैसला आएगा। मेरा तो ख्याल ये है कि मतलब जो अगर कानूनी तौर पे देखा जाए, आइनी तौर पे देखा जाए, तो 10 के 10 अरकान पार्लियामेंट्री लीडर के
साथ मिलकर अगर ये कह रहे हैं कि हमने परवेज इलाही को वोट देना है तो चौधरी शुजात मींस नथिंग, मतलब ही कैन नॉट, वो कैसे वोट करेंगे अपनी पार्टी के खिलाफ ये कह सकेंगे जब पार्टी पूरी की पूरी एक तरफ खड़ी भी है। और दूसरी तरफ क्या होगा कि ये 10 के 10 अरकान जो है चौधरी परवेज इलाही समेत, अगर इन्होंने इनहराफ किया और सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने इनहराफ किया है तो 10 के 10 बाई इलेक्शन होंगे, फिर तो फिर एक तमाशा लगेगा वहाँ पे। पहली बात तो मैं इस बात पे मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, मेरा मेरी ये गुस्ताखाना कह लें या जो भी कह लें आप, अर्ज है कि भाई जब हाउस इन ऑर्डर नहीं था, मतलब कि मुकम्मल नहीं था, इलेक्शन नहीं हुआ था, आपने उन 25 लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, 20 इलेक्शन आपने ऐलान कर दिया था, फिर हमजा शहबाज किस तरह वजीर आला रह सकता था? कौन से कानून की किताब में लिखा है कि जनाब एक अनइलेक्टेड जो है शख्स वो पंजाब का इंटरम प्राइम मिनिस्टर रहे जब तक के इलेक्शन नहीं हो जाते और हाउस इन ऑर्डर नहीं हो जाता, ताकि वो सारे वसायल इस्तेमाल करें, और उन्होंने इस्तेमाल किए। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की मशीनरी थी पूरी उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन उसके बावजूद 75% इलेक्शन हार गए। और फिर बहाने सुने लगे, क्या बहाना किया कि जी ये तो हमारी सीटें नहीं थे, हमने उन्होंने अपनी सीटों को जीत लिया। तो उसमें 10 इंडिपेंडेंट थे जो आपको भी हरा के आए थे और पीटीआई को भी हरा कर आए थे, बड़ा सख्त चोटी का मुकाबला था। और फिर एक पीटीआई थी इमरान खान अकेला, जो मेहनत उसने की है किसी और ने नहीं की। और जहां दूसरी तरफ आप मैंने देखा था कि जो बातें की मैं वो भी दोहराना नहीं चाहता। इस वक्त मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पे एक बहुत बड़ा बोझ है, जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, अदारों में बहुत बड़ा बोझ है। अगर इस तरह से धौंस और धांधली और पैसे के ज़रिए आपने इस जमहूरियत को चलाने की कोशिश की तो ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, श्रीलंका की तरह सड़कों पर लाकर लोगों को जो है वो घसीटा जाएगा। तो खुदा रहा ये पाकिस्तान है, 22 करोड़ अवाम की इज्जत जो है वो आप लोगों के हाथ में है, इसको पामाल ना करें, जमहूरियत को इस मुल्क में चलने दें, और जिसके पास मैंडेट है उसको हुकूमत करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया।